नमस्ते फ्रेंड्स, हर हर महादेव जी। फ्रेंड्स, मैं आज आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से बिल्कुल पांच सात मिनट में बनने वाली पनीर की भुर्जी बना के दिखाने वाली हूँ। तो चलो शुरू करते हैं। तो ये चार पांच टमाटर है छोटे साइज के, इसलिए अगर बड़े साइज के तो आप कम डाल सकते हैं। और ये चार हरी मिर्च है, एक इंच डेढ़ इंच अदरक का टुकड़ा है, और ये धनिया है गार्निश करने के लिए, और ये 350 ग्राम पनीर है। तो पहले हम इसको पेस्ट बना लेंगे। एक प्याज तड़के, तो ये टमाटर का पेस्ट बिल्कुल तैयार है एक साइड में। तो अब इसको पनीर को कद्दूकस करेंगे। पनीर कद्दूकस कर लिया हमने, गैस का भी ऑन कर लीजिए। एक चम्मच तेल लेंगे, कोई भी तेल हो एक चम्मच ले। तेल जब गर्म हो जाए तो प्याज डाल दो इसमें। एक छोटी चम्मच नमक डाल दी, दो छोटी चम्मच सूखा धनिया डाल दिया, फ्रेंड्स। अगर आज आप लोग ये प्याज नहीं खाते हो तो कोई बात नहीं, आप हींग में तड़का लगा सकते हैं इसका। हींग जीरे का तड़का वाली भी बहुत टेस्टी बनती है जी। तो प्याज को भी हमारी गोल्डन कलर हो रहा है, अब इसमें एक चम्मच भर के बेसन डालूंगी। जब बेसन पक जाएगा तो अच्छी सी खुशबू आने लग जाती है, तो पता लग जाता कि बेसन पक गया। अभी गैस का फ्लेम मैं कम करके और मसाला डाल दी, आधी चम्मच हल्दी, एक चम्मच गरम मसाला और आधी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च। अब जो टमाटर की त्योरी बनाई थी डाल देंगे, थोड़ा सा पानी डाल देंगे। एक चम्मच बेसन मैंने इसलिए डाला है कि पनीर और पानी, जैसे पनीर और पानी अलग अलग से हो जाते हैं तो ऐसा ना हो भुर्जी बनने पे एक साथ रहे, एक जैसे रहे, तो इसलिए थोड़ा सा बेसन डाला है। थोड़ी सी इसमें कसूरी मिर्च डाल दूंगी मसल की। जब मसाला पक जाए अच्छे से, जब पनीर को डाल देंगे। तो ये हमारी पनीर की भुर्जी बनके तैयार है। इसको बनने में सिर्फ 5-7 मिनट लगते हैं और काफी टेस्टी बनती है। सारे मसाले अच्छे से पक चुके हैं, आप देख सकते हैं फ्रेंड कि पानी और ये जो पनीर है अलग अलग नहीं हुआ, बिल्कुल गाढ़ा बन गया है और अच्छी तरह से बन गया है। तो जब झटपट से कोई सब्जी बनानी हो तो पनीर भुर्जी बना सकते हैं, फटाफट से बन जाती है, इसमें कोई देर नहीं लगती और काफी टेस्टी होती है। अब लास्ट में धनिया डाल दें,
अच्छे से मिला दें। तो फ्रेंड्स ये मेरी आज की छोटी सी रेसिपी, अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जिसका नाम है अनीता जस्सी ऑल इन वन चैनल। और फ्रेंड्स आपने अपना कीमती टाइम निकाल के मेरी वीडियो को देखा, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। नमस्ते फ्रेंड्स, हर हर महादेव जी।